तो आज बात करेंगे लीव इनकैशमेंट के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं कि लीव इनकैशमेंट होता क्या है। तो बेसिकली लीव इनकैशमेंट अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, उसमें एक रूल होता है कि हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ ईयरली लीव्स देगा। वो डिपेंड करता है कि कुछ कंपनीज में आपको साल की 10 लीव्स मिलती हैं, किसी में 24 मिलती हैं, किसी में 15, किसी में 18। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के रूल्स होते हैं, बट कुछ लीव्स मैंडेटरी हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कि प्राइवेट सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ लीव्स आपको देनी पड़ेंगी। एंड इसके अलावा जो अदर लीव्स होती हैं, जैसे कि कुछ सीएल कैजुअल लीव्स होती हैं, आरएच होती हैं, वो उस लीव्स में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ उन लीव्स की जो कि आपके ईयर्स में मल्टीप्लाई होती रहती हैं या एड ऑन होती रहती हैं। बेसिकली कि सपोज आपको एक साल में 10 लीव्स मिलती हैं किसी कंपनी में एंड आपने उसमें से 5 ली, तो क्या होगा कि वो 5 लीव्स जो हैं वो अपने आपके नेक्स्ट ईयर में एड ऑन हो जाएंगी। लेकिन जो आपकी कैजुअल लीव होंगी या एक पीएल होती है, पर्सनल लीव होती है, आरएच होती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो ये लीव्स आपकी होती हैं, ये आपकी एड ऑन नहीं होती हैं नेक्स्ट ईयर में। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक जो आपकी एड ऑन वाली लीव्स होती हैं लीव इनकैशमेंट में। तो उसमें होता क्या है कि आपने सपोज किसी कंपनी में 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल काम किया, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो लीव्स हैं वो एड ऑन होती रहती हैं एंड वो लीव्स का कैश कंपनी आपको देगी। मान लो आपके पास 30 लीव्स स्टोर होगी, मतलब एक महीने की सैलरी हो गई, तो उस हिसाब से कंपनी आपको लीव इनकैशमेंट देती है। जब भी आप कंपनी को छोड़ते हो या जब कंपनी से आप रिटायरमेंट होते हो, तो उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। एंड लास्ट ईयर के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इसके लिए टोटली टैक्स फ्री अमाउंट कर दिया है, मतलब अगर आपकी लीव जो है वो अप टू 25 लाख तक टैक्स फ्री हैं, मतलब अगर आपको टोटल जो आपके पास लीव्स बन जाएंगी एंड उसकी सैलरी अगर आपको 25 लाख या 25 लाख के नीचे मिलती है, तो उस केस में आपको 0 टैक्स, मतलब आपका उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को। जो बेसिकली आपकी सैलरी पर टैक्स लगता है वो आपको गवर्नमेंट को नहीं देना होगा। तो आप अगर किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी में वर्किंग हो, वहाँ पे आपकी जो लीव्स होंगी, जो मैंने आपको कुछ लीव्स बताई वो छोड़ के बाकी सारे का पेड लीव्स होती हैं कि अगर आप कंपनी में रिजाइन भी कर रहे हो, आपने 2 साल काम किया, 5 साल काम किया है, या इवन 6 महीने भी अगर आपने काम किया और उस कंपनी में आपको 2, 3 या 4 लीव भी बाकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी को बोलना है कि जो मेरी लीव्स हैं उनका मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में वो क्लियर किया जाए। तो आप वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्लियर करा सकते हो। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट या पेड लीव्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।